आईएएस ने भारतीय हैकर्स को दिया है बड़ा ऑफर। सरकारी डाटा चुराने के लिए इंडियन हैकर्स को लाखों रुपए की जॉब ऑफर की जा रही। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर मुहर लगी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दी, केंद्र सरकार ने सिफारिश की थी, विपक्ष से लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। जमीन घोटाले में राजस्थान सरकार ने वाड्रा को क्लीन चिट दी है। राजस्थान पुलिस को रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी के जमीन सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। फरुखाबाद के सेंट्रल जेल की बैरक में एक कैदी का फांसी लगा शव मिला है। कैदी के परिजन जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यहां जेल में कर्मचारी की मौत की मारपीट की वजह से मौत हुई है। पीलीभीत में बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। पुलिस वाले ही बाल मजदूरी करवाते नजर आ रहे। एक चाय की दुकान में यहां बच्चा काम कर रहा है। पुलिस अधिकारी आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे। बांदा कैतरा में आयुर्वेद कॉलेज की मनमानी से परेशान छात्रों ने बांदा इलाहाबाद हाईवे को घंटों जाम रखा। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिरोजाबाद में एक परिवार को बाहरी होने के चलते रैन बसेरे से निकालने का मामला सामने आया है। परिवार की खासी मिन्नत करने के बावजूद उन्हें रैन बसेरे के अंदर रहने नहीं दिया गया। वाराणसी के बाबतपुर सड़क मार्ग में कटा हुआ पांव मिला है। इसके अलावा कई शरीर के कटे फटे अंग मिले हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। जौनपुर में एक वाहन चोर गिरोह को पांच सदस्यों को पकड़ा गया। उनके पास से एक ट्रक, एक टवेरा, बोलेरो, कारतूस और दो तमंचे बरामद किए गए। अलीगढ़ में गूंज वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लापरवाही का मामला सामने आया है। शिविर में मरीजों को दी जाने वाली ज्यादातर दवाइयां एक्सपायरी डेट की थी। मेरठ के एथलेटिक्स की प्रशिक्षु खिलाड़ी के साथ एक युवक ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है और उससे नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए। शाहजहांपुर में बीए की दो छात्राओं के अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप उन्हीं के रिश्तेदारों पर लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में अवैध खनन के चलते पोली जमीन में एक बालू से भरा ट्रक पलट गया और 100 फीट गहराई में फंस गया, जिसमें सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दो लोगों को हल्की चोटें आई थी। हाथरस के सादाबाद इलाके में आलू की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान फसल में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कीटनाशक की जगह वो शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ती भी है और इफेक्टिव भी। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि पद्मश्री सम्मान उनके लिए सपने के सच होने जैसा है और राष्ट्रीय सम्मान उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। करण और शाहरुख के रिश्ते में भी आया इसका खुलासा खुद करण जौहर ने एक इंटरव्यू में किया। रेखा को मुंबई में तीसरे यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने रेखा को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए अवार्ड दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने फिल्मकार प्रकाश शाह की फिल्म जय गंगा जल में एक खूबसूरत भजन गाया है। आपको बता दें कि गायिका है अमृता, जो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म जय गंगा जल का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। प्रकाश शाह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।